तो डेढ़ सौ रूपए ज्यादा का फर्क आपको नजर आएगा क्योंकि तो डायरेक्ट फैक्ट्री से जो चीजें जा रही हैं वो यहाँ से जा रही हैं लेकिन आगे जाके उनके बढ़ जाते हैं मतलब अपना थोड़ा मार्जिन पुट ऑन करते हैं लगाते हैं और उसके बाद आप तक पहुंचाते हैं तो ये सब बीच में ट्रेडर्स बचे तो इसलिए मैं बोलती हूँ किसी की बातों में मत आओ आप लोग अगर आपको डायरेक्ट फैक्ट्री से जुड़ना है तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करो साइंद्रा एनएक्स आपने सारे वीडियोस देखे होंगे या फिर अगर आप फैक्ट्री सर्च भी करते हैं तो आपको साइंद्रा ही फर्स्ट नंबर पे नजर आने वाला है अभी आप यहाँ देखेंगे तो ये लाइट फील्ड के साथ आगे ये देखिए वही गाउन पैटर्न ही रहेगा प्रॉपर उसी तरीके से आपको ये चीज मिलने वाली है बस जैसे ही हमारी हमेशा आती है और हमेशा हम कुछ ना कुछ नया दिखाने की कोशिश करते हैं आज हम एक फैक्ट्री सेटअप में आए आ जाते आपको दिखाएंगे डायरेक्ट फैक्ट्री से कौनसेप्ट चीजें मिलती है साइंस धारा से तो हमारी हमेशा तो शोरूम से वीडियो बनती है क्योंकि स्टॉकिंग वही होती है ये तो थोड़ा आपको दिखाना है की जिससे आइडिया लगेगी एज ए मैनुफेक्चर है लोग दावा करते हैं वी आर मैनुफेक्चर लेकिन यहाँ दावा नहीं है सच्चाई है तो हम कैसे बताएंगे क्या क्या चीजें होती है कटिंग का प्रोसेस होता है ग्रे पे प्रिंटिंग का प्रोसेस होता है वो सब अलग जगह पे होता है कटिंग भी मैं आपको दिखाऊंगी लेकिन वो नेक्स्ट दिखाऊंगी क्योंकि तो उसका फ्लो ऊपर है बाकी फर्स्ट यहाँ से जैसे कटिंग होता है ऊपर उसके बाद यहाँ पे आ जाती है सारी चीजें स्टिचिंग होने के लिए तो वो मैं आपको दिखाती हूँ की कि किस तरीके से स्टिचिंग होने के लिए आती है तो यहाँ पे आप आइए देखिए एक एक वेराइटी के ऊपर काम किया जा रहा है ये कॉन्सेप्ट अभी आ चुके हैं मेरे पास डायरेक्ट पहुंच भी चुके हैं ये कॉन्सेप्ट जो शोरूम पे बिकना भी स्टार्ट हो गया लेकिन कस्टमर्स काफी डिमांड कर रहे हैं तो मुझे ये चीजें रिस्टॉक करना पड़ा है इसके वापस से पूरा कस्टमाइजेशन और चालू हो गया उसका बाकी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अभी आप देख रहे हैं बाननी कॉन्सेप्ट या कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे वो चीजों के ऊपर भी काम चल रहा है जिसे अभी कुछ एक वैरायटी है जो हमने रेडी करके रख लिया वो भी मैं आपको दिखाऊंगी जो लहरिया बाननी का कॉन्सेप्ट है तो ये पूरा हमारा स्टिचिंग का प्रोसेस है अब आप देखोगे हर एक टेबल पे अलग अलग काम चालू है यहाँ पे आप देखोगे कहीं स्लीव्स लग रहा है कहीं ज्वाइंट हो रहे हैं अलग अलग चीजें बन रही है हाँ जी बिल्कुल यहाँ पे आप देखिए तो नेक के ऊपर काम किया जा रहा है मतलब हर एक जगह अलग अलग काम किया जा रहा है यहाँ पे आप देखोगे तो ये लहरिया बांधनी के ऊपर कॉन्सेप्ट के ऊपर काम हो रहा है लेकिन नेक के ऊपर डिजाइन किया जा रहा है मतलब पूरा नेक के ऊपर प्रोसेस किया जा रहा है नेक जो कटिंग हो जाता है पहले ही अलग से फिर उसके ऊपर स्टिचिंग का काम होता है जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो सेम वही वर्क चल रहा है तो ये पूरे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर हर एक मशीन के ऊपर अलग अलग बैठे हुए हैं बंदे और यहाँ पे वन टाइम के अंदर आप जैसे देख रहे हैं पांच से भी ज्यादा मशीन है और हमारे यहाँ जैसे अगर हम बात करते हैं तो वन डे का जो प्रोडक्शन होता है वो पच्चीस 25,000 प्लस होता है हमारे पास mm -hmm. वैरायटी। वन टाइम का एक घंटे के अंदर हम कोशिश करते हैं कि हजार वैरायटी आप सबके लिए रेडी कर पाए तो जैसे मैंने आपको बताया कि हजार वैरायटी हम रेडी कर पाए तो अभी जो वैरायटी रेडी है वो मैं आपको दिखाती हूँ जो नेक्स्ट हमारा काम होता है वो होता है इसके बाद वो होता है क्वालिटी चेकिंग का तो मैं आपको यहाँ से डायरेक्ट लेके चलती हूँ और बताती हूँ कि क्वालिटी चेकिंग का काम किस तरीके से होता है तो स्टिचिंग होने के बाद उनके के अंदर जो धागे निकले होते हैं छोटी चुट छोटी चीजों की चेकिंग होती है वो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से होती है यहाँ पे जैसे कि आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं कि यहाँ पे पूरा क्वालिटी चेकिंग का काम चालू है जैसे कि आप देखेंगे की पूरे धागे जो निकले होते हैं जैसे वेराइटीज है ये देखिए आप ये वेरायटी है ये बन गई है लेकिन इसके अंदर काफी तरीके से धागे वगैरह निकले हुए तो ये जो फिनिशिंग होती है क्वालिटी चेकिंग का जो काम होता है वो यहाँ पे किया जाता है पूरा वही काम चालू है यहाँ पे डिफरेंट वेराइटीज के अंदर अभी हम बात करते हैं और कलेक्शंस क्या क्या आए हुए हैं तो जैसे कि आप यहाँ पे आएंगे यहाँ पे आने के बाद देखेंगे ये कलेक्शंस आपको शॉप पे देखने के लिए मिल जाएंगे जो भी रेडी है हमारे पास ये इनमें और भी वेरायटीज आपको नजर आने वाली है लहरिया बांधनी कॉन्सेप्ट जो मैंने आपके लिए बोला कि अनारकली के अंदर पैटर्न्स आपके लिए बनाए जा रहे हैं ये पैटर्न्स आपको नजर आएंगे अग्णी, अग्णी। अब अब अभी डायरेक्ट अगर आप अभी कांटेक्ट करते हैं टीम से तो ये वैरायटी आपको अभी देखने मिल जाएगी और ये थ्री पीस का कॉन्सेप्ट है पूरा इसके अंदर कलर डिजाइन पिंक ब्लू रखा है इसके अंदर मैं आपको वहाँ पे प्रेसिंग डिपार्टमेंट में लेके जाऊंगी और वहां पे मैं आपको दिखाऊंगी की इसके जो कलर भी रेडी हो चुके हैं तो वो उस प्रोसेस की तरफ हम बढ़ेंगे प्रोसेस आप यहाँ पे आएंगे यहाँ से हम चलते हैं जिस तरीके से हमारा पूरा होता है पूरा स्टीन प्रेसिंग का

डिजाइन जिसे मैं आपको बोला दिखाऊंगी तो इसके अंदर जो कलर डिजाइन आने वाले ये देखिए ऑरेंज के ऊपर ग्रीन का शेड इस तरीके से इसके अंदर आपको मेरे पास कलर नजर आएंगे बांधनी का ये रहने वाला है और ये बहुत ज्यादा चल रहा है अभी तक आपने मेरे पास देखा था ए लाइन के अंदर लेकिन ये पूरा अभी आपको अनारकली पैटर्न के अंदर मिलेगा कस्टमर्स की डिमांड आई थी और ये बिलो 900 की रेंज के रहेंगे आपको आसानी जाएगी आगे सेल करने में 1200-1500 तक आप आराम से सेल कर सकते हो इस तरीके की राइट रहेगी थ्री पीस ऊपर बंच बनेंगे अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाएंगे जो पूरा पैकिंग का काम होता है वहां से हम तो, तो तो, आपको कि पैकिंग किस तरीके से होती है और तो वहीं से सारा स्टॉक किस तरीके से निकलता है की सारा फैक्ट्री स्टिचिंग स्टिचिंग एरिया होता है है कैसे कैसे होती है, बनती है तो मैं ये जो तो एरिया यहाँ पे कैसा होता है मतलब क्या क्या चीज सर यहाँ पे सब जो होता है वो पैकिंग होता है और कटिंग होता है थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो मैं आपको चीजें बताती हूँ जैसे पहले मैं आपको कटिंग के तरफ लेके जाती हूँ किस तरीके से लेयर वाइज फैब्रिक्स लगाए जाते हैं एक साइड आप वहां पर चेकआउट कर सकते हैं वहां पे फैब्रिक लगाए जा रहे हैं जो लेयर वाइज लगाते हैं वहां पे पूरा उससे फैब्रिक लगा रहे हैं जो पूरा मीटर वाइज लेयर वाइज लगाते अग्ण, हैं अग्ण, अग्ण। और उसके बाद जो दूसरा प्रोसेस होता है वो कटिंग जो वहां पे मशीन रखी हुई है प्रॉपर और वहां पे हम जाते हैं फिर प्रॉपर उनका मास्टर जी मास्टर जी होते हैं मास्टर जी प्रॉपर साइज वाइज कटिंग करवाते हैं कटिंग होती है यहाँ पे आप चेकआउट करेंगे जैसे देखिए कुछ वेराइटीज लगा के है ठीक ये देखिए जिन हैंड हैंडवर्क हुआ है डिजिटल प्रिंट वाले कॉन्सेप्ट ये देखिए यहाँ पे प्रिंट वाले कॉन्सेप्ट ये सब लगाए हुए हैं साइज वाइज ये पूरे कट होते हैं यहाँ पे इस तरीके से कटिंग टेबल सामने भी एक कटिंग टेबल ये भी एक कटिंग टेबल जैसे लास्ट में भी थी तो यानी हर एक चीज अलग अलग कटिंग बिल्कुल अलग अलग वेराइटीज तो। की पूरी कटिंग होती है और ये आप देखेंगे तो किस तरीके से ये बंडल्स आते हैं जैसे यहाँ पे देखिए ये पूरे बंडल्स जो बंडल्स चीजें आती है। हैरी हैरी रहते हैं पूरे हैवी हैं पूरे पहले वो ग्रे पे होते हैं ग्रे के बाद प्रिंट होते हैं उसके बाद यहाँ पे आते हैं फिर अलग अलग कटिंग्स होती है और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं किस तरीके से ये चीजें रेडी हो गई है आपके लिए तो रेडी चीजें मैं दिखाऊंगी वो आपको यहाँ पे दिखाने वाली हुई जैसे आप यहाँ पे देखिए थ्री पीस के कॉन्प्ट हम रेडी कर रहे हैं यहाँ पे कुछ डिफरेंट डिजाइन के साथ जैसे आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं प्योर फैब्रिक है थ्री पीस का कॉन्सेप्ट रहेगा लॉन्ग गाउन पैटर्न के अंदर आएगा मतलब अनारकली पैटर्न के अंदर स्टाइल्ट फ्रॉक स्टाइल में ही रहने वाला है विद दुपट्टा टॉप बॉटम सब प्रॉपर थ्री पीस कॉन्सेप्ट के साथ अभी इनमें आपको कलर डिजाइन नजर आएंगे जैसे मेरे पास आप यहाँ पे चार कलर की कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन हो गए एक डिजाइन के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे ये एक डिजाइन के अंदर चार कलर के कॉम्बिनेशन हो गए अलग अलग बंश लगाए हुए जैसे जैसे डिजाइनिंग आई भी है हाँ जी हाँ जी बिल्कुल अभी आप यहाँ देखेंगे तो ये लाइट फील के साथ आ गए देखिये वही गाउन पैटर्न ही रहेगा प्रॉपर उसी तरीके से आपको ये चीज़ मिलने वाली है बस कलर डिजाइन चेंज रहेगा रहे उसके अंदर तो तो से बेस्ट क्या है प्लेस कर करना चाहता तो हाँ उनके जी। लिए भी हो जाती है प्रॉपर हो जाती है अगर किसी का बल्क ऑर्डर है जैसे पाँच या हजार पीस का तो उनके लिए कस्टमाइजेशन भी हो जाता है आराम से जैसे आप यहाँ पे देख रहे की चीजें भी आपको नजर आएंगे हाँ जी हाँ जी देखिए तो तो जो जो है। हाँ जी वो चीजें बन रही अंदर बिल्कुल सर इसके अंदर भी आपको कलर डिजाइन मेरे पास काफी सारे नजर आएंगे अब ये बंच किस तरीके से बनते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो पूरा पैकिंग का कॉन्सेप्ट चालू होता है यहाँ पे यहाँ पे ये होते हैं इसके बंच ये देखिए आपने सारी चीज देखी स्टिचिंग किस तरीके से हो रही है फिर चेकिंग किस तरीके से होती है पूरी क्वालिटी चेक होती है वो किस तरीके से होती है प्रेसिंग किस तरीके से होती है फिर बारी यहाँ पे आ जाती है की कि किस तरीके से सेट लगा के रखे फिर यहाँ पे टॉप बॉटम दुपट्टा तीनों के सेट लगा लगा के यहाँ पे सारी पैकिंग चलती है फिर पैकिंग होने के बाद ये बनता है आपका एम एल एक्सल डबल एक्सएल चार साइज का बंच जो मैं आपको बोलती हूँ एक सिंगल सेट आप बाय कर सकते हो तो वो होता है इस तरीके का एक सेट जो आपको चार पीस का मिल जाने वाला है स्टार्टिंग मेरे पास हो जाती है नाइनटी नाइन की जो कुर्ती से होती है, है। थ्री पीस आपको टू नाइनटी नाइन से स्टार्ट मिल जाते हैं मेरे पास और इस तरीके से बंच मिलते हैं जो थाउजेंड प्लस वाली वैरायटी का एक सिंगल सेट अदरवाइज मिनिमम ऑर्डर होता है आपका टेन थाउजेंड रुपीज का कैश ऑन डिलीवरी का सारी चीजें आपको मिलती है वेराइटी जैसे आप देख ही रहे हो डिफरेंट डिफरेंट जगह आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट नजर आएंगे ऑफर रेट वाले कलेक्शन भी आपको काफी सारे मेरे पास बेसिकली हमारा जो यहाँ पे रूटी वजह है यहाँ पर आने की फैक्ट्री दिखाने की वन ऑफ द रीजन ये है कि जिससे कि कस्टमर्स को पता लगेगा कि हम कोई ऐसा नहीं कि मार्केट से रेडीमेड मार्केट हैं हाँ अपना मैन्युफैक्चरिंग होती है सायधारा को लोग जानते हो मैम को लोग फेरिस से जानते ही होंगे सायधारा यहाँ से सारा माल वहाँ जाता है वहां हाँ से आके हाँ माल सप्लाई होता है जो वर्ल्ड वाइड शिपमेंट होती हाँ जी, हाँ जी। है हाँ तो सर ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जिससे आपको आइडिया लग सके कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग है सारा सेटअप अपना होता है और सब कुछ यहाँ बनता है इन हाउस बनता है सेकंड थिंग अगर आपको अपने हिसाब से कुछ कस्टमाइजेशन करानी है वो पॉसिबल है पर बिल्कुल 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 पॉसिबल है सर क्योंकि देखिए सूरत लोकल मार्केट के अंदर भी हम लोग पूरा सप्लाई कर रहे हैं स्टॉक आपने काफी ये स्टॉक देखा भी होगा की बाहर मार्केट के अंदर भी बिक रहा है तो जो सूरत मार्केट के अंदर स्टॉक निकलते हैं वो पार्सल्स भी यहीं से डायरेक्ट निकल जाते हैं ये सारे पार्सल्स रेडी होते हैं और लोकल मार्केट के अंदर भी हम सप्लाई कर देते हैं मतलब सप्लाई हर जगह हो रहा है ऑल ओवर इंडिया भी हो रहा है वर्ल्ड वाइड भी हो रहा है ऑल ओवर इंडिया में कैश ऑन डिलीवरी आपको मिल जाती है और जो रेट्स है वो फैक्ट्री दामो में मिलती ठीक है क्या होता है ना ये चीज अगर मैं आपको देने वाली हूँ सात सौ रुपए की तो मार्केट के अंदर आपको मिलेगी साढ़े आठ सौ रुपए की सौ डेढ़ सौ रूपए ज्यादा का फर्क आपको नजर आएगा क्योंकि डायरेक्ट फैक्ट्री से जो चीजें जा रही हैं वो यहाँ से जा रही हैं लेकिन आगे जाके रेट्स उनके बढ़ जाते हैं मतलब अपना थोड़ा मार्जिन पुट ऑन करते हैं लगाते हैं और उसके बाद आप तक पहुंचाते हैं तो ये सब बीच में ट्रेडर्स बचे हैं तो इसलिए मैं बोलती हूँ किसी की बातों में मत आओ आप लोग अगर आपको डायरेक्ट फैक्ट्री से जुड़ना है तो दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट करो साइंद्रा एनेक्स आपने सारे वीडियो देखे होंगे या फिर अगर आप फैक्ट्री सर्च भी करते हैं तो आपको साइंद्रा एनेक्स ही फर्स्ट नंबर पे नजर आने वाला है क्योंकि जो रियल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहां पे आपको चीजें रियल देखने के लिए मिलेंगी जैसे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये चीज हमने बहुत मार्केट में सेल की है और काफी ट्रेंडिंग रही है कॉन्सेप्ट आप देखिए बहुत ही ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा बिका भी था इसमें आपको इस तरीके से पैटर्न मिल रहा था पूरा okay. टॉप बॉटम और यहाँ पे था इसका दुपट्टा ये देखिए ये रहने वाला इसका दुपट्टा तो मतलब पूरा थ्री पीस का सेट था इसके अंदर कलर डिजाइन भी मैंने काफी सारे सेल किए हैं और ओनली एट फिफ्टी रुपीज के अंदर ये ब्यूटीफुल आर्टिकल मैंने आगे सेल किया है जैसे आप यहाँ पे देखोगे इसके अंदर कलर डिजाइन आपको मिलेंगे ये सारे कलर डिजाइन थे काफी सारे कलर डिजाइन के अंदर आए हुए थे ये देखिए सारे पेस्टल कलर और डार्क में सिर्फ एक आपको वराइटी जो है काफी सारी सब कुछ मिलेगा यहाँ तो क्या होता है की लिमिटेड डिजाइन लिमिटेड कॉन्सेप्ट होते हैं क्योंकि फैक्ट्री है ये सारा चीजें स्टॉक होती है शॉप पर जाकर के नाम से फेमस ही ये लोग जानते ही है यहाँ तो आपको देखेंगे ये लम्स है यहाँ पे इसमें फैब्रिक रखा हुआ है कपड़े बड़ा रखे हैं हाँ ये पीछे रखा है यहाँ पे लम्ब्स है जो मतलब फैब्रिक आता है जिनकी कटिंग होनी हाँ जी, हाँ जी। है उसकी टीशर्ट बनने आगे सूट बनना हर चीज बनने का समेन पॉसिबिलिटी है तो मेरा अपना व्यूअर्स तो एक जिससे कहना है की हमारा टारगेट सब इतना दिखाना है की हम एज ए मैनुफेक्चर है और अपने अंडर वन सारी चीजें बनती है बेस्ट कॉन्सेप्ट यही है कि आप वहाँ पे विजिट कीजिए हमारे जो शोरूम है एड्रेस उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैम जैसे बता दें हमेशा से कि सिंगल सेट यानी जो चार चार पीस के बंडल्स होते हैं जैसे बंडल्स रखे हुए हैं तो इस तरीके से परचेस कर सकते हैं तो वो भी परचेस कर सकते हैं बाकी आप विजिट कीजिए तो सबसे पहले गुड है क्योंकि क्वालिटी क्वांटिटी आप देखेंगे और क्योंकि ये तो सिर्फ एक फैक्ट्री है ऐसी काफी सारी फैक्ट्रीज होती है तो सबका सब माल एक जगह आके इकट्ठा होता है तो हम आपको हर जगह हर फैक्ट्री तो नहीं दिखा सकते पॉसिबल नहीं है तो मेरा अभी वर्ष ये कहना है कि एक बार आप वहां विजिट करें और चीजों को देखें और बाय कीजिए और कहीं से भी आप माल परचेस करते हैं वहां से आपको ऑटोमेटिक है कि सस्ता मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि आप फैक्ट्री से जुड़ रहे हैं तो उसका बेनिफिट जरूर उठाए तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा एक बार आप विजिट करेगा कस्टमर तो कैसे आ सकता है आपके शॉप डायरेक्ट स्क्रीन पे नंबर दिया गया है और पूरा एड्रेस भी दिया गया है लेकिन आप क्या कीजिए टीम से कांटेक्ट कीजिए हाँ। पिकअप एंड ड्रॉप की सुविधा भी आपको हमारी तरफ से मिल जाती है, है। वो काफी इजी हो जाएगा आपके लिए क्योंकि आप सूरत स्टेशन पे आने के बाद आपको काफी एजेंट्स मिलेंगे तो किसी एजेंट की बातों में नहीं आना है दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करना है वो हमारी टीम का नंबर है डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिएगा और बोल दीजिएगा कि सूरत स्टेशन आ रहे हैं आने वाले हैं तो प्रॉपर डेट वेट बता दीजिए अपनी उसके बाद टीम हमारी तरफ से आपको बजट फ्रेंडली होटल भी करवा देगी और साथ में आपको पिकअप एंड ड्रॉप की सर्विस भी दे देगी बाकी विजिट नहीं कर सकते हाँ जी बाकी विजिट अगर नहीं कर सकते तो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो वीडियो कॉल की फैसिलिटी अवेलेबल कैश ऑन डिली कैश ऑन डिलेवरी सभी कस्टमर्स को ओर चाहिए होती है वरना आप ऑनलाइन भी